सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य वयं संस्कृत कक्षायां सप्तम्याः कक्षायाः त्रयोदश पाठः सत्संगतिः पठामः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं की 13वां पाठ सत्संगति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सत्संगति का तात्पर्य आप जानते हैं? हाँ, सत्संगति का मतलब होता है अच्छे लोगों से संगति करना, अच्छे लोगों से मित्रता करना, बुरे लोगों से बचना, अच्छे गुणों को ग्रहण करना और दुर्गुणों को त्याग करना, यही सत्संगति कहलाता है। क्योंकि जैसे हमारी संगति होती है वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। तो हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सदैव अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सताम संगति सत्संगति कथ्यते। सताम संगति सज्जनों की संगति, सत्संगति सत्संगति कथ्यते कहा जाता है। अर्थात अच्छे लोगों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। अस्मिन् संसारे इस संसार में यथा जैसे सज्जनाः सज्जन लोग हैं तथा वैसे दुर्जनाः दुर्जन लोग अपि भी सन्ति हैं। अपि ये एक अव्यय है और इसका अर्थ होता है भी। संति माने है, ये अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यद्यपि पूर्व जन्मनः गुण दोषौ अपि मनुष्ये जन्मना आगच्छतः। यद्यपि पूर्व जन्मनः गुण दोषौ, पूर्व जन्म के जो गुण दोष हैं वो मनुष्य के जीवन में जन्म से ही आते हैं। तथापि नहीं कोपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति। फिर भी यहां तथा धन अपि, तथा अव्यय है और अपि भी अव्यय है, दोनों पद मिलकर के एक पद बन गए। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तथा धन अपि, तथापि फिर भी, नहीं नहीं को अपि कोई भी, जनः मनुष्य जन्मतः जन्म से, दुर्जनो वा भवति दुर्जन दुष्ट वा अव्यय है भवति होता है। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म से ही दुर्जन नहीं होता है। अपितु मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। अपितु किंतु मानवे मानव में संसर्गस्यापि, संसर्गस्य धन अपि यह दीर्घ संधि है। तो संसर्ग का अपि माने भी, संसर्ग का भी, संसर्ग का मतलब संगति का, मानव के जीवन में संगति का भी विशेष रूप से प्रभाव होता है। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको एक बार देखते हैं। सताम संगति ही सत्संगति ही, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सत धन जनाह सज्जनाह यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और यद्यपि यदि धन अपि ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो चलते हैं आगे। यह यादृशेण पुरुषेण सह संगतिं करोति। यह यह माने जो, यादृशेण जिस प्रकार के, पुरुषेण पुरुषों के साथ, मनुष्यों के साथ, सह सह माने साथ, संगतिं करोति संगति करना है, जो जिस प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्यों के साथ संगति करता है। यादृशेण पुरुषेण सह तिष्ठति च उपविशति खादति पिबति आलाप संलापौ च कुरुते तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति।
यादृशेन पुरुषेण सह, जिस प्रकार के जिस स्वभाव के पुरुष के साथ तिष्ठति बैठता है। च माने और, उपविशति उपविशति का अर्थ भी बैठता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, आलाप संलापौ आलाप संलापौ का तात्पर्य बातचीत करता है, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति, उसका स्वभाव उसी के जैसा हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ संगति करता है, जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, बातचीत करता है, अर्थात मित्रता करता है, जिस प्रकार के लोगों के साथ संगति करता है, वैसे ही उसका भी स्वभाव हो जाता है। यदि सज्जनैः सह संगतिः भवति तर्हि नरः सज्जनः भवति, यदि सज्जनैः सह संगति भवति, सज्जनों के साथ संगति होती है, यदि मनुष्य की संगति सज्जनों के साथ होती है, तर्हि तो नरः सज्जनः भवति, तो वह मनुष्य सज्जन होता है। अर्थात सज्जन लोगों के साथ संगति करने से मनुष्य सज्जन होता है। चेत दुर्जनैः सह संगतिः भवति तर्हि सः दुर्जनः भवति, और दुर्जनों के साथ संगति करने से मनुष्य दुर्जन हो जाता है। अर्थात आप समझ गए ना कि मनुष्य जैसे व्यक्ति के साथ संगति करता है, अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करता है तो वो अच्छा बन जाता है, और बुरे व्यक्ति के साथ संगति करता है तो वह भी बुरा हो जाता है, उसके स्वभाव में वो बुराइयां आने लगती है। अच्छे लोगों से संगति करते हैं तो अच्छे जो गुण हैं वो गुण उसके अंदर आते हैं, और बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं तो उनके जो दुर्गुण हैं वो भी उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों से ही संगति करनी चाहिए। इति प्रकृति नियमः, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है का मतलब ये इस संसार में, इस प्रकृति में ऐसा होता है। अतएव नीतिकाराः कथयन्ति, इसलिए ही नीतिकाराः, नीतिकाराः मतलब जिन्होंने संसार में नियम बनाए हैं, है ना, कि क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, क्या कार्य हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को जो बताते हैं उनको हम नीतिकार कहते हैं। और ये नीतिकाराः बहुवचन का रूप है, अर्थात बहुत से नीतिकारों ने ये बात कही है। क्या कही है? संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्गजा संसर्ग से ही, संगति से ही दोष और गुण होते हैं। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति, सत्संगेन सत्संगति से ही मनुष्येषु मनुष्यों में बहवः बहुत सारे गुणाः गुण उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। सत्संगेन मनुष्यः विवेकवान श्रद्धावान शीलवान परोपकारी भक्तिमान च भवति, सत्संगेन मनुष्यः, सत्संग से ही मनुष्य, सत्संग मतलब अच्छे लोगों के संगति से ही मनुष्य विवेकवान। विवेकवान का मतलब क्या होता है? विवेकवान उसको कहते हैं जो उचित अनुचित का बोध कर सके, अर्थात जो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कर सके, उसे कहते हैं विवेकवान। तो सत्संगति से मनुष्य विवेकवान होता है। श्रद्धावान, श्रद्धावान का तात्पर्य है श्रद्धा वाला। तो श्रद्धा वाला कहने से क्या है? अर्थात जहां जितनी श्रद्धा करनी चाहिए उतनी श्रद्धा करने की क्षमता सत्संगति से आती है। शीलवान, शील का मतलब होता है चरित्र, अच्छा चरित्र सत्संगति से ही होता है, और सत्संगति करने वाला मनुष्य शीलवान होता है, चरित्रवान होता है। परोपकारी, पर उपकारी, पर मतलब दूसरों का,
उपकारी, उपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला और भक्तिमान, भक्ति करने वाला होता है। अर्थात सत्संगति से ही मनुष्य विवेकवान होता है, श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है, परोपकारी होता है और भक्ति करने वाला होता है। दुर्जनानां संग करणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जनानां संग करणेन और दुष्ट लोगों के संगति करने से, दुष्ट लोगों के साथ मित्रता करने से तू तो दुर्गुणाः दुर्गुण बुराइयां एव प्रादुर्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नतेः सोपानमस्ति। सत्यमेव, ये बात सत्य ही है। कौन सी बात? कि मानव जीवने, मानव जीवन में सत्संगः, सत्संग अर्थात सज्जनों की संगति उन्नतेः, उन्नति का सोपानम, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, तो सज्जनों की संगति उन्नति का सोपान अस्ति माने है, सत्य ही कहा गया है। मानव जीवन में अच्छे लोगों की संगति ही उन्नति का सोपान है, उन्नति की सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणां एव संगति ही कर्तव्या। अतः इसलिए सर्वदा हमेशा सत्पुरुषाणां सज्जन पुरुषों की एव ही संगति ही संगति कर्तव्या करनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे लोगों से ही संगति करनी चाहिए। शास्त्रस्य तु अयम् निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। शास्त्रों का तो ये निर्देश है, अर्थात हमारे शास्त्रों में ये हमें निर्देश दिया गया है, बताया गया है कि विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। विद्या से युक्त यदि कोई व्यक्ति है और वह दुर्जन है, अर्थात उसके अंदर बुरे गुण है, तो भी ऐसे व्यक्ति को का हमें परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से भी संगति नहीं करनी चाहिए। यथा जैसे, देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। इसका अर्थ देखते हैं, दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जनः माने दुष्ट व्यक्ति का परिहर्तव्य त्याग कर देना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। और दुष्ट व्यक्ति कैसे? अर्थात जिसके अंदर बुरे गुण हैं, जिसके अंदर बुराइयां हैं, ऐसे व्यक्ति का हमें त्याग करना चाहिए। विद्यालंकृतोऽपि सन्, भले ही वो कितना बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, अर्थात विद्या से युक्त है और दुर्जन है, तो ऐसे व्यक्ति का हमें त्याग कर देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत विद्वान है, थोड़े दुर्गुण है तो क्या बात, कोई बात नहीं, और ऐसा सोचकर हमें उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसका उत्तर दूसरा लाइन दे रहा है, क्या कह रहा है, मणिना भूषितः सर्पः। आपने सुना है ना कि कुछ विशेष प्रकार के सर्प होते हैं जिसमें मणि होता है ना, मणि वाला सांप सुने ना, नाग मणि कहते हैं, है ना। तो मणि एक अच्छा अमूल्य पदार्थ है और वो किसके पास है, एक नाग के पास, और नाग कैसा होता है, विषैला होता है, तो मणि के कारण उस विषैले नाग को हम भयंकर कहते हैं कि नहीं, कहते हैं ना, भय उत्पन्न करने वाला, हम उसके संपर्क में चले जाते हैं, अरे ये तो मणि वाला नाग है तो इसके पास चले चलते हैं, ऐसा हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो उसके पास जो मणि है वो अमूल्य है, परंतु मणि के साथ जो विष है वो घातक है, इसलिए वो हमारे मन में भय उत्पन्न करता है और हम उसके समीप में नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से विद्या से युक्त होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानां अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति। यद्यपि
यद्यपि वर्तमान युगे वर्तमान समय में सज्जनानाम अभावः सज्जनों की कमी अभाव माने कमी वर्तमान में इस समय में सज्जनों की कमी हमें दिखाई देती है। सब तरफ दूरजनों की संख्या बढ़ते जा रही है। प्रायेण प्रायः दृष्टिगोचरः भवति दृष्टिगोचर अर्थात हमें दिखाई पड़ते हैं इस संसार में वर्तमान में सज्जनों का अभाव सज्जनों की कमी दिखाई देती है। तथापि फिर भी सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः। तथापि फिर भी सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय सत्संग के महत्व को विज्ञाय जानकर समझकर सत्संग के बारे में अभी हमने पढ़ा ना तो सत्संग के महत्व को समझकर आत्मनः कल्याणाय स्वयं के कल्याण के लिए च और प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक बहुत मेहनत करके बहुत प्रयत्न करके सत्संगः एव करणीयः सत्संग ही करना चाहिए हमें सत्संग ही करना चाहिए बहुत प्रयत्न करके भी हमें अच्छे लोगों से ही संगति करना चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम् सत्यमेव सही ही सत्संगति विषये सत्संगति के विषय में कहा गया है। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ इस श्लोक को पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम् सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति के बारे में बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए इस श्लोक में क्या अर्थ है चलिए हम देखते हैं। जाड्यम धियो हरति धिया बुद्धि की जाड्यम जड़ता को बुद्धि में जो जड़ता आ जाती है ना उस जड़ता को हरति दूर करता है। बुद्धि की जो कमजोरी है कमियां है उस कमी को हरता है कौन सत्संगति। हाँ सिंचति सींचता है वाची वाणी में सत्यम सत्य को अच्छे लोगों से संगति करने से वाणी में सत्य का आगमन हो जाता है। हमारे मुंह से निकलने वाली वाणी सत्य से परिपूर्ण होती है। मानोन्नति मन की उन्नति करता है दिशति सभी दिशाओं में मन की उन्नति सभी दिशाओं में करता है कौन सत्संगति। पापम अपाकरोति जब अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा पापम अपाकरोति पापम माने पाप से पाप को अपा दूर करोति करता है पाप को दूर करता है अर्थात हम जब अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हमारे अंदर अच्छाइयां आती हैं तो अच्छा कार्य जब हम करते हैं तो अच्छा कार्य पुण्य का होता है ना तो अच्छे कार्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कार्य करने से पाप की प्राप्ति होती है। और जब सत्संगति हमको बुरे कार्यों से बचाता है तो हम पाप से दूर होए कि नहीं इसलिए यहां कहा पाप से पाप को दूर करता है। चेतः प्रसादयति चेतः चित्त को मन को प्रसादयति प्रसन्न करता है। जब हम अच्छे लोगों से संगति करते हैं तो हम अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य करने से हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। दीक्षु सभी दिशाओं में तनोति फैलाता है कीर्ति यश को और जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैलती है ना हम जानते हैं ना अपने कक्षा में कि कौन बच्चा बहुत अच्छा है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं कि यह बालक बहुत ही अच्छा है तो उसकी कीर्ति फैलती है कि नहीं। हाँ तो हम अच्छे कार्य करते हैं अर्थात संगत सत्संगति करते हैं तो कीर्ति यश जो है वो सभी दिशाओं में फैलता है। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम् सत्संगति ये जो सत्संगति है कथय कहो बताओ किम न करोति क्या नहीं करता है
पुंशाम मनुष्यों के लिए, अर्थात ये जो संगति सत्संगति है ये मनुष्यों के लिए क्या नहीं करता, अर्थात सारे अच्छे गुणों को ला देता है, सारे अच्छे कार्य कराता है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, आपको कहानी सुनना पसंद है ना, तो चलिए एक छोटी सी कथा आपको मैं बताता हूँ। एका कथा प्रचलिता, एक कथा प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। एकस्मिन् नीडे द्वौ शुकौ न्यवसता, एकस्मिन् एक नीडे घोंसले में, द्वौ दो शुकौ, शुक माने तोता और यहाँ द्विवचन लगा है इसलिए शुकौ, एक घोंसले में दो तोते न्यवसता निवास करते थे। दैववशात एक शुकः संताश्रमे अवसत, दैववशात भाग्य के कारण से एक एक शुकः तोता संताश्रमे अवसत, संत के आश्रम में रहता था। अभी देखिए कहानी कैसे, मैं कहानी को आपको बताता हूं। एक घोंसले में दो सगे भाई तोते रहते थे, है ना, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न। अब वो दोनों तोते एक घोंसले में बहुत आनंद से थे। एक बार अचानक बहुत तूफान आया और तूफान आने से उनका घोंसला टूट गया और ये इनके पंख उतने अच्छे नहीं थे, तो एक उड़ते उड़ते संत के आश्रम में पहुंच गया और एक जो है हवा के झोंके में धीरे धीरे उड़ते उड़ते एक चोर के घर में चला गया। तो कहानी अब आगे हम देखते हैं। दैववशात भाग्य के वश से, भाग्य के कारण से एक हा एक शुकः तोता संताश्रम में आवसत, संत के आश्रम में रहता था। द्वितीय दूसरा चौरस्य गृहे न्यवसत, दूसरा तोता जो था वो चोर के घर में निवास करता था। संताश्रम में संतस्य सदविचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः शुकः सत्यं वदति स्म। संताश्रम में संत धन आश्रम में, संत के आश्रम में, संतस्य सदविचारेण, संत के सदविचार से, साधु के अच्छे विचार से प्रभावितो भूत्वा प्रभावित होकर के, भूत्वा होकर के प्रथमः पहला शुकः तोता सत्यं वदति स्म, सत्य बोला करता था, सत्य बोलता था। परम द्वितीय चौरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म, परम लेकिन द्वितीय दूसरा चौरस्य, चौरस्य चोर के आचरण प्रभावेन, आचरण के प्रभाव से। अब जान रहे हैं ना, साधु जो है वो अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, अच्छी ज्ञान की बातें बताते थे, तो वो तोता उस बात को सुन करके उसी प्रकार से अच्छी बातों को बोलता था, सत्य को बोलता था। और दूसरा जो उसका भाई था वो चोर के घर पहुंच गया था, तो वो चोर के आचरण के प्रभाव से मिथ्या वदति स्म, मिथ्या बोलता था, झूठ बोलता था, है ना। अब देखो दोनों सगे भाई थे, एक संत के आश्रम में रह करके सत्य बोलने लग गया और दूसरा चोर के घर में आकर के झूठ बोलने लग गया। अतः इसलिए सताम संगति श्रेयस्करा भवती थी, इसलिए सताम संगति सज्जनों की संगति श्रेयस्करा श्रेष्ठ भवती होता है। इति ऐसा। तो बच्चों आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे लोगों से मित्रता करेंगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो चलिए अब कुछ अभ्यास के प्रश्न है देखते हैं। आइए देखिए, आपको दिख रहा होगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सताम संगति ही खाली स्थान कथ्यते, बताइए। हाँ, सताम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते। दूसरा देखिए ख, सत्संगेन मनुष्येषु खाली स्थान आयान्ति, हाँ सद्गुणाः आयान्ति, सत्संगति से मनुष्यों के अंदर अच्छे गुण आते हैं। ग देखिए, मानव जीवने सत्संगः खाली स्थान अस्ति, उत्तर है मानव जीवने सत्संगः उन्नतेः सोपानम्
अस्ति। घ विद्यालंकृतः अपि खाली स्थान परिहर्तव्यः। विद्या से युक्त होने पर भी खाली स्थान त्याग करने योग्य होता है, छोड़ने योग्य होता है। कौन? दूर जना। अंतिम है ङ। सताम संगति ही खाली स्थान भवति इति। उत्तर क्या होगा? हाँ, चलिए उत्तर होगा सताम संगति ही श्रेयस्करा भवति इति। गृह कार्य के प्रश्न, ये गृह कार्य के कुछ प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे ये दिया हुआ है। एक बार मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इनके उत्तर लिख करके अपने शिक्षक से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इसकी परीक्षण करवाइएगा। प्रश्न देखिए, मानवे कस्य प्रभावः भवति। ख सत्संगेन मनुष्यः कीदृशः भवति। ग दुर्जनानां संगेन किं भवति। घ उन्नत्याः सोपानं किम् अस्ति। ङ शास्त्रस्य कः निर्देशः अस्ति। च सत्संगतिः किं करोति। छ सताम संगतिः कीदृशी भवति। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पुस्तक में खोजिए और खूब अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमो नमः।